ಯಾರ ಹೆಚ್ಚಿನಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಮ್ಮಗೆ ಅಲ್ಲಾರೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಮ್ಮಾರೆ. ದೋನ್ಸೆ ತೀನ್ಸೆ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೌಡ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಟ್ ಮಂದಿ ಅದಾರ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮನೆ ಏನು ನೀವೇನು ಕಿತ್ ಕಿತ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಇವನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾರೆ ಕೊಡ್ರ 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 ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದ ನಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದ ನಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. बसनगौड़ पाटिल ने फिर उगला जहर, अपने ही कार्यकर्ताओं को भी दी गाली. विधानसभा इलेक्शन में खुद मुसलमानों को मारने की बात. हिंदू कार्यकर्ताओं से कहा डर कर बैठेंगे तो घर घुसकर मारेंगे, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने. मुसलमानों के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते दिखाई दिए बसनगौड़ा पाटिल. देखिए मेरे साथ हक की आवाज में, मैं हूँ शकील बागमारे. बसनगौड़ा पाटिल की जबान से फिर निकले नफरती शब्द. बेलगाम में एक बीजेपी के कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि क्या अगर इस बार नरेंद्र मोदी को अगर हम खो देंगे तो मुसलमानों की गुंडागर्दी धमकियां इस देश में ज्यादा होंगी. और आगे कहते हैं, मुसलमान कहते हैं अगर हम 25% होंगे तो हम सबको जमीन में गाड़ देंगे. नरेंद्र मोदी और ये नरेंद्र देश के नाम का कौन दिया अंदरा भारत का राज करते मुस्लिम रा गुंडागिरी दबाल के देश में लगता है और है तो रा नेहरू वाले ने नाम है ना 25% आधार ने मने अल्लाह मना कर दिया था. अब बसनगौड़ा ही बताएं कि किस मुसलमान ने ये बात कही थी कि हम 25% होंगे तो हिंदुओं को जमीन के अंदर गाड़ देंगे. बताएं बसनगौड़ा पाटिल किसने कहा था. अब आने वाले लोकसभा चुनाव के चलते फिर से देश में धर्म को टारगेट करके हिंदू वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के नाम से हिंदू भाइयों को डराने का काम शुरू हो गया है. ऐसा लगता है इस बार कर्नाटक से इसकी कमांड बसनगौड़ा पाटिल ने ही थामी है. बसनगौड़ा पाटिल हिंदू वोटर्स को बेलगाम में डराते हुए कहते हैं मोदी जी को इस बार खो दिया तो मुसलमानों की गुंडागर्दी शुरू होगी. माननीय शासक बसनगौड़ा पाटिल ये बताएं कि 60 साल में कांग्रेस की हुकूमत थी तब मुसलमान इस देश में गुंडागर्दी नहीं की, तो अब मोदी जी हारने पर कैसे गुंडागर्दी इस देश में होगी, बताएं बसनगौड़ा पाटिल. और इसी भाषण में आगे कहते हैं अब कुछ दिनों में कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा. बच्चे पैदा करना है तो दो ही करना होगा, शादी करनी होगी तो एक के ही साथ करनी होगी, सबके लिए एक ही कानून, बाबा साहब के संविधान पर सबको अब चलना होगा. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರೇ ಮಕ್ಕಳು ಹಡಿದ್ರೆ ಎಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಒಂದೇ ಲಗ್ನ ಆಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, ನಮ್ಮದೇನರೇ ಅದನ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ जब बाबा साहब के संविधान की ये नेता बात करते हैं, यही अपने भाषणों में उस संविधान को बार बार तोड़ते रहते हैं, संविधान के विरोध बात करते रहते हैं, अपनी जबान से गाली देते हैं, जिस संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार दिया, किसी भी धर्म के खिलाफ या उसके पूर्वजों के खिलाफ जहर उगलने से मना किया है, आज हर वक्त एक धर्म को टारगेट करके उसके पूर्वजों को भी गाली दी जाती है. और वही लोग बताते हैं कि संविधान पर चलना होगा. अब आप ही सोचिए कौन संविधान पर चल रहा है. आगे बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि हिंदू कार्यकर्ताओं पर
हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। अब कहां झंडा पाकिस्तान का लहराया गया ये हमें तो पता नहीं, बसन गौड़ा को ही पता होगा। तो बसन गौड़ा बताए अब कहां पाकिस्तान का झंडा लहराया गया हमें तो पता नहीं, बसन गौड़ा ही को पता होगा तो बसन गौड़ा बताए। हाँ हमें यह पता है बसन गौड़ा पाटिल के मत क्षेत्र में इनके अधिकार में बीजापुर शहर के टीपू सुल्तान चौक मनगुड़ी बेस में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया था, मगर उसे किसने लहराया था आज तक पता नहीं चला। और खुद बसन गौड़ा पाटिल ने अपने भाषण में कहा था कि पाकिस्तानी झंडा किसने लहराया है मुझे पता है, मगर एमएलए बसन गौड़ा पाटिल अब तक वो सच अपने दिमाग और दिल में छुपाए रखे हैं। क्यों उन देशद्रोहियों को नहीं पकड़ा गया, क्यों बीजापुर शहर में पाकिस्तानी झंडा लहराने वाले आतंकवादियों के नाम सामने नहीं लाए गए, अब इसका जवाब तो बसन गौड़ा पाटिल के पास ही है और इन्हीं को देना पड़ेगा। हाँ जब बीजापुर के तालुक सिंदगी में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया था तो उस वक्त किसने लहराया था इसका पता तो सिंदगी एमएलए और सिंदगी के उस वक्त के ईमानदार पुलिस अधिकारियों ने तो पूरे देश को बताया था कि सिंदगी में पाकिस्तानी झंडा लहराने वाले श्री राम सेना के कार्यकर्ता थे। आई थिंक ये बात बसन गौड़ा भी नहीं भूले होंगे। विधानसभा चुनाव के चलते बसन गौड़ा पाटिल ने कहा बीजापुर शहर में कुछ मुसलमान हिंदू एरिया के वोटिंग बूथ में आकर हमारे लोगों को वोटिंग करने से रोक रहे थे, इनका वीडियो बना रहे थे, तब मैंने उनको खुद मार कर भगाया। अपने हिंदू कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं कहा बसन गौड़ा पाटिल ने, और आगे कहते हैं हिंदू कार्यकर्ताओं को कहीं भी कुछ होगा तो हमें भी तैयार रहना होगा, तैयार ना होकर हम सब डर डर के बैठे रहेंगे तो घर घुसकर मारेंगे, कहा बसन गौड़ा पाटिल ने। ना बीजापुर ना कहेंगे वोटिंग नडेदे तो केलोंदु पूतना बंद साबरु गुंडागिरी नम मंदि बंद वोट हाकलारदंग मोटर सैकल एत्कोंडु निंतिरोदु ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಯಾರು ಹೊರಟ್ರಂತ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಚಾಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹಿಂದೂ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ 100% ಹಿಂದೂ ಇರೋಂಥ ಏರಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಂದು 10-15 ಮಂದಿ ನಮ್ಮವರು 200-300 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೌಡ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರು 10 ಮಂದಿ ಮಂದಿ ಏನು ನೀವೇನು ಕಿತ್ಲಾಕೈತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾರೆ ಗೌಡ್ರ 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 ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದ ನಾ ಏ ಯಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹೊಡ್ತಾನ ಹೊಡೆದ ನೋಡ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಮ್ಮಗೆ ಅಲ್ಲಾರೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಮ್ಮಾರೆ ಇಟ್ಟೇ ಇದ್ದು ದಮ್ಮಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬರೀ ನೋಡ್ಕೋತ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೋತೀರಿ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಇವ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಅದು ನಮಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಇವ್ರು ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ ನಾ ಕಲಿಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು यारो अंजबाड़ी। क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं, नौजवानों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना नहीं, जरा सोचिएगा हम कौन सा भारत बना रहे हैं। अब जरा सोचिए एक जनता का प्रतिनिधि विधायक खुद कानून हाथ में लेकर लोगों को मारने की बात करता है और दूसरों को भी कानून हाथ में लेने की बात करता है। अब आप ही सोचिए संविधान की शपथ लेकर अधिकार में बैठकर क्या आपको नहीं लगता कि ये संविधान की और कानून की धजिया उड़ा रहे हैं। एक धर्म के खिलाफ नौजवानों को भड़काने का काम किया जाता है और बात संविधान की करते हैं। अब जरा ये भी सुन लीजिए जिस जनता ने इन्हें चुनकर अधिकार दिया उसी जनता को अपनी ही कार्यकर्ताओं को गंदी गाली देते हैं बसन गौड़ा पाटिल, तो सुनिए। 100% हिंदू ಇರಂತ ಏರಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟ ಮಂದಿ ಒಂದು 10-15 ಮಂದಿ ನಮ್ಮವರು 200-300 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೌಡ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ ಮಂದಿ ಅದಾರು 10 ಮಂದಿ ಮನೆ ಏನು ನೀವೇನು ಕಿತ್ಲಾಕೈತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 200-300 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೌಡ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ ಮಂದಿ ಅದಾರು 10 ಮಂದಿ
तो सुना आपने, एक एमएलए को चुनकर लाने वालों को ही गंदी गाली दी जाती है, और क्या एक एमएलए को इस तरह की भाषा और इस तरह की गालियां देना शोभा देता है? देश का कोई भी नागरिक हो, वो देश के खिलाफ काम करता है, तो ऐसे देशद्रोही को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और जो देश में नफरत बांटने का काम करते हैं, एक धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म को भड़काते हैं, वो भी देश विरोधी है। ये हमारा देश का संविधान और हमारा कानून कहता है, मगर आए दिन बसनगौड़ा पाटिल ही नहीं, देश में ऐसे कई होंगे, वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, ऐसे लोगों पर जब तक एक्शन नहीं ली जाती, तब तक ये लोग नफरत बांटते ही रहेंगे। राज्य की सरकारों को और पुलिस विभाग का भी कर्तव्य बनता है, जो एक धर्म को बांटकर सियासत करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके दो भाइयों को लड़ाते हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई तुरंत करनी होगी, वरना नफरत का बाजार बढ़ता ही रहेगा और जनता को भी संविधान तोड़ने वालों पर आवाज उठानी होगी, तभी देश में सुख और शांति रहेगी और हमारा ये देश तरक्की के ओर बढ़ेगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज।